का डिज़ाइन है, तो मैंने ये किस तरीके से बनाया है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये थाल पोस का डिज़ाइन का पैटर्न कैसा लगा। तो फ्रेंड मैं एक नॉट लगा लेती हूँ और इस तरीके से चैन बना लेते हैं। अब एक इसको सर्कल बनाने के लिए मुझे इसको यहाँ पर ये इस तरीके से ज्वाइन करना है, फिर एक दो तीन चैन बनाने के बाद फिर हम इसी में से दोबारा से इसको डबल क्रोशिया लेंगे फ्रेंड, सर्कल इसको भर लेना है। तो फ्रेंड ये मैंने कुछ इस तरीके से सर्कल डबल क्रोशिया से बना लिया है। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड कुछ इस तरीके से इसका लुक आया है। अब हमें क्या करना है, एक दो तीन चैन बनानी है, चार चार चैन बनाने के बाद फ्रेंड एक दो तीन तीन डबल क्रोशिया को छोड़कर हमें फोर्थ में एक दो तीन चार पाँच छः अब ये भी हमारा दो चार छः छठे फंदे में से हमने डबल क्रोशिया बना ली, एक दो तीन चार पाँच छः और उसी फंदे में से हमने छः चैन बना ली और ये इसमें ज्वाइंट कर दी। ठीक है फ्रेंड, अब ये कुछ इस तरीके से अभी आपको लग रहा है, देखिए अभी एक चैन बनाई और एक दो हाफ क्रोशिया करना है सारे फंदे, चैन बना ली और इसी चैन में से हमें हाफ फंदे लेना है, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड ये मैंने कुछ इस तरीके का इसका डिज़ाइन बन के आया है फ्रेंड। अब जो हमने
यहाँ से डिज़ाइन जो बनाया था वही डिज़ाइन हम नेक्स्ट ऊपर बनाते हुए जाएंगे। इस तरीके से आप अपने कितना बड़ा थाल पोज बनाना चाहते हैं ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये बहुत जल्दी और बहुत इजी बनने वाला थाल पोज है। ये देखिए फ्रेंड, आई होप आप लोगों के लिए पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा।